सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के एक इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, दूसरी चीज ये है कि आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए, तीसरी बात जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी, और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2,00,000 करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12,00,000 करोड़ बन गई। ये कैसा बना? इसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी अदानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है? दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अदानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है? और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए? चौथा प्रश्न था कि आप जहां जहां जाते हो उसी वक्त वो भी वहां पर आके मिलते हैं, उसका कारण क्या है? और पांचवी बात ये है कि जब आप वहां पर जाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स, वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स, वहां के कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलवाते हो, ये क्या बात है? इन चीजों को आप उत्तर दे दो। और छोटे से समय पे एक आदमी इतना पैसा कमा सकता है, जब देश में 50% लोग अभी भी उनकी इनकम केवल गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन ऐसे बड़े लोगों का जो आज संपत्ति बढ़ रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है, कोई पर कैपिटा इनकम दूसरों का उतना नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए जो सवाल किए थे उन सवालों का जवाब वो नहीं दे सके, और पूरे पार्टी के नेता लोग यहाँ पर जो जितने भी पार्टियां हमारे 18 पार्टी आज आए हैं, एक भी पार्टी मिस नहीं हुआ, सभी मिलके यही मुद्दा पूछ रहे कि भाई आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री
कमेटी बिठाओ, उसमें खुल के आएगा, सत्यता बाहर आएगी, रिकॉर्ड्स देखेंगे और रिकॉर्ड्स छानबीन करने के बाद जो चीज बाहर आएगी वो सबको मालूम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि हम जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये भी लोगों को मालूम होगा। तो ये जो चीजें हैं उनके फाइल भी जांच हो गई। और आप जेपीसी करने को क्यों डर रहे हो? आपका तो मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, बहुमत है, हम तो अल्पमत में है। और मेंबर्स जो बनेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो तुम्हारे ज्यादा बनेंगे, बीजेपी के ज्यादा बनेंगे, या तुम्हारे दोस्तों को मिला के और ज्यादा हो जाएंगे। तो डर क्यों बात है, किस बात से डर रहे हो? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो डर रहे हैं। और जो लोग डरते हैं कभी ना कभी मरते भी हैं। तो इसीलिए आज हम एकता दिखाने के लिए सभी लोग एक आए हैं। और जो खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है, और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में सूरत में केस डालते हो। अरे द ऑफेंस ऑकर्ड एट कोलार इन कर्नाटका, बट यू हैव रजिस्टर्ड द केस इन सूरत आउटसाइड द जुरिसडिक्शन एंड गुजरात। क्यों? बिकॉज यू वॉन्टेड द फेवरेबल गवर्नमेंट, देर इज ए गुजरात गवर्नमेंट एंड यू वॉन्ट टू यूज द पोलिस, यू वॉन्ट टू यूज आई कांट से जुडिशरी, बट यू वॉन्ट टू यूज फॉर यूअर पर्पज टू डिफेम राहुल गांधी जी। दैट्स वाई यू पीपल ट्रांसफर द केस देर। देयरफॉर आई एम टेलिंग, ए कुछ सांट गांठ दोनों की है, वो सांट गांठ क्या है ये बाहर आएगा। तो इसीलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपन अर्लियर, फॉर स्मॉल थिंग्स, डिफेमेशन केस नॉट एक्सीडिंग 2 years, दैट सेंटेंसेस, बट नॉट एक्सीडिंग मीन्स 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा तराधुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में, लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना, अदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना। और ये सारी चीजें कब हो गई कि जब अदानी के खिलाफ राहुल गांधी जब बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, तब ये मोदी गवर्नमेंट डर गई। और दूसरी चीज जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने पदयात्रा की और हमारे सभी लोग, लाखों लोग जुड़े उनके साथ, और जुड़ने के बाद उनको एक लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और ये हमको बहुत बड़ा चैलेंजर है, ये समझ के उन्होंने राहुल गांधी को डिस्करेज करने के लिए, डराने के लिए वो काम किए हैं। हम ना डरेंगे, राहुल गांधी जी नहीं डरेंगे, और अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, अपोजिशन पार्टी डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। तो ये हमारा इरादा है और इसको आगे भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब लोग मिलके भी हम एक आगे कैसा मुहिम करना, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे और फिर आपके पास आएंगे, आपको भी